YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। वार्ड नंबर 5 का हाल बदहाल है। वार्ड नंबर 5 में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 5 की, जहां की वार्ड पार्षद है नईमा बीबी। जब सिटी न्यूज की टीम वार्ड नंबर 5 का भ्रमण किया तो पाया कि वार्ड में महीनों से सफाई नहीं हुई है। वार्ड में प्रधानमंत्री आवास का भी घोर अभाव दिखा, साथ ही यहां पानी का भी घोर किल्लत देखी गई। यही नहीं, कई ऐसे घर हैं जहां शौचालय आज तक अधूरा पड़ा है। वार्डवासियों की बात माने तो वार्ड पार्षद नईमा बीबी वार्डवासियों के बीच में रहती तो जरूर हैं, परंतु उनका कार्य धरातल पर देखने को नहीं मिलता। यही नहीं, वार्ड पार्षद न तो उन्हें 5 वर्षों में आवास ही उपलब्ध करा पाया, ना ही शौचालय, यहां तक कि पानी भी इन 5 वर्षों में वार्डवासियों को नसीब नहीं हो पाया। इस संबंध में जब हमने वार्ड पार्षद नईमा बीबी से बात की तो उनके पति मोहम्मद कलाम ने अपने वार्ड की समस्या का जिम्मेदार यानी ठिकरा नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर फोड़ दिया। आइए सुनते हैं वार्ड पार्षद की जुबानी वार्ड नंबर 5 की कहानी। हम अभी पहुंचे हैं पहाड़ी मोहल्ला। आइए यहाँ के जनता से बात करते हैं कि 5 साल के कार्य क्षेत्र में अभी तक यहाँ क्या क्या विकास हुआ है। यहाँ क्या क्या विकास हुआ? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो पहले था वही नाली पूरा गंदा रहता है, वही रोड पे हमेशा पानी जमा रहता है, और कोई बदलाव नहीं आया। आपका वार्ड कमिश्नर का नाम क्या है? नईमा बीबी। वो 5 साल के कार्य क्षेत्र में मतलब क्या क्या विकास किए? कुछ ऐसा जो शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो या साफ सफाई हो, कुछ ऐसा? वैसा तो कुछ नया नहीं हुआ है, सब पुराना ही है। और विकास क्या हो यहाँ पे, जो पहले था वही हाल है यहाँ पे, कुछ नया नहीं हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को मिला है? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। जो विकास हुआ है ये बताना क्या है, तो सामने है सब। जो होना चाहिए था, जो सरकार से मूलभूत सुविधा इलाका में वार्ड में मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिला। पानी का कोई उपाय नहीं हुआ, सफाई का कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं सफाई। तो वार्ड सदस्य है यहाँ, बेचारा अपने से मेहनत करके साफ सफाई थोड़ा बहुत कराता है, लेकिन नाली पूरा जाम है, रोड और भी कुछ। इस वार्ड में सौतेलापन व्यवहार भी हुआ है। अच्छा, जो हम देख रहे हैं कि जो खास लोग हैं, जिनका रसूख है, जिनको समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा है, उनके इलाका में काम साफ सुथरा बढ़िया हुआ है, लेकिन हम लोग के इस मोहल्ला में कहीं कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वार्ड सदस्य चूँकि इसी वार्ड के निवासी हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनको तो रहना ही था। ऊपर में यहाँ अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन लोग के पावर में कुछ था, सुध लेना चाहिए था कि किस हाल में लोग यहाँ रह रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ तो जो पावर में है उनको ख़ानदानी विरासत हासिल है, तो गरीब क्या होता है उनको क्या पता है, दुख क्या होता है वो कहाँ जाने गए। जब कभी देखेंगे नज़दीक से कि हाँ गरीबी क्या होता है, परेशानी क्या होता है, वो तो जिए आराम से, सब कुछ उनको हासिल है, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। वही देख सकता है जिसको अंदर से दर्द होगा और कमी कोताही जिसको महसूस होता होगा। आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना नाली ढंग से साफ होता है, ना पानी ढंग से सप्लाई का आया है। देखिए पानी यहाँ नल लगा दिया, पानी नहीं आता है। अच्छा, मतलब अभी तक कुछ काम नहीं हुआ इस वार्ड में? हाँ हुआ है, 4 गो को कॉल मिला है। बस पानी का भी समस्या, नली वली भी साफ नहीं है। हाँ, नली देखिए जाम है, देखने वाला चीज है। चुनाव का समय नजदीक आ गया है, तो क्या चुनाव इस बार फिर से नया चेहरा लाना चाहते हैं कि फिर से वही चेहरा देखना चाहते हैं? काम करेगा उसी को लाएंगे, बिना काम करे वाला कहां लाएंगे। आरोप है कलाम जी कि वार्ड की जनता जब आपके पास आती है
तो आप उन लोगों से नहीं मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हुए भी आप नजरअंदाज करते हैं। क्या करना है आपका? सबसे पहले तो हम सिटी न्यूज का स्वागत करते हैं, साथ ही साथ वार्ड नंबर 5 के हिंदू मुस्लिम जितने हमारे मतदाता हैं, हमारे वार्ड के जनता हैं, मैं उन लोगों को स्वागत करता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं कि वार्ड में जितने जनता हैं, आप एक एक जनता से जा करके पूछ लें कि मेरा वार्ड क्या है और किस तरह का है। रहा आपका ये आरोप या जनता का आरोप कि वो हम कहते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, वार्ड पार्षद नहीं सुनते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तरह का जो भी योजना आता है या हमें जो जानकारी मिलती है, हम किसी जनता को, वार्ड के जनता को घर पे नहीं बुलाते हैं, बल्कि मैं स्वयं जा करके घर घर मैं कह देता हूँ कि इस तरह का योजना आया है, ये काम आया है, आप वो आवेदन लगाएं या मुझे इस तरह का आदेश दें, मैं खुद से जा करके करूँगा। तो क्या मानते हैं आरोप का लगाने के पीछे क्या रहना है? देखिए, आरोप लगाने का जहां तक बात है, बड़े है, एक चना भाव नहीं भरेगा, ठीक है। सबसे पहले बात के सबसे नीचे स्तर का प्रतिनिधि कहा जाए, क्योंकि हमसे ऊंचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी, सबसे बड़ा भी हम आरोप लगाएंगे तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कारण कि 20 मरतबा हम लिख करके दिया, आवेदन लिख करके दिया, यहाँ तक के लेटर ट्वीट पर भी लिख करके दिया कि वार्ड नंबर 5 सबसे पिछड़ा इलाका है, सलम एरिया है, उसको संभालने बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि हम करें, आपके हाथ का चीज है, आप इस चीज को अंजाम दें। लेकिन अभी तक ना अध्यक्ष का जरा सा भी नजर रहा वार्ड नंबर 5 पे या उपाध्यक्ष, मतलब आप अपना दोस्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी लगाएंगे। और ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे हर वार्ड में आदमी बटा हुआ है, सब वार्ड में दो दो आदमी है, सफाई कर्मी, नाली साफ करने वाला, मेरे वार्ड में एक है, सब वार्ड में जमादार है, वार्ड नंबर 5 में जमादार नहीं है, वार्ड पार्षद नैमा बीबी के जमादार का काम मोहम्मद कलाम करता है, पूरे वार्ड में जाकर के पता लगाने की सुबह से लेकर शाम तक मैं वार्ड में वर्क करता हूं, जहां समस्या चलाता है वो प्राइवेट अपने पैसा से। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चूंकि चुनाव है तो आरोप जनता लगाएगी ही, और जनता ही जनार्दन होती है, जनता की बात को उठाया नहीं जा सकता, और जनता इस वक्त चूंकि अभी चुनाव का वक्त है तो जनता भी वो बात बोलती है जो वर्षों तक वो नहीं बोलना चाहती है। आरोप ये भी है कि जरूरतमंदों को आवास नहीं मिला, आप जिनके जरूरतमंद नहीं थे उनको आवास नहीं देकर वैसे लोगों को आवास मिला जिनको जरूरत नहीं थी। आवास नहीं मिला जनता का ये कहना है, ये सच है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, नहीं मिला, किसको नहीं मिला आपको बता दें कि इससे पहले भी हम बताया कि पिछड़ा इलाका है, ये गवा परिवार से जमीन लिया गया है, बहुत सा ऐसा जमीन है जो एग्रीमेंट पे है, और ये सरकार का योजना है कि जब तक केवाला और मोटेशन नहीं होता तब तक किसी को आवास नहीं मिलेगा। अच्छा, उस आदमी का केवाला मोटेशन है जिसके पास एक तल्ला दो तल्ला बिल्डिंग है, उस आदमी को भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार का यही आदेश है कि वो लोग को नहीं मिलेगा, वही आदमी को मिलेगा जिसका झुकी झोपड़ी है, खपड़ा पोस मकान, तो खपड़ा पोस वही आदमी का मकान है जो गरीब आदमी है, और गरीब आदमी पे केवाला और मोटेशन नहीं है, मजबूरी यहाँ बन जाता है जो आवास उसको नहीं मिला। शौचालय की बात अगर हम करें तो शौचालय जिन लोगों को मिला उनको आपका पैसा नहीं, अभी तक पैसा नहीं मिला। हाँ, ये अगर जनता कहती है तो ये सच है, लगभग 75 से 100 आदमी ऐसा है जिसको 12,000 रुपए का लेटरिन तो बनता नहीं है, लेकिन किसी तरह से गरीब आदमी समझा कि अगर 12,000 मिल जाएगा तो 2-4-5-10 हजार और लगा करके हम जो है किसी तरह से शौचालय बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट मरतबा 6,000 रुपया मिला, इसके बाद 6,000 रुपया लगभग 1 से 1.5 साल होने जा रहा है, अभी तक वो 6,000 रुपया उस गरीब को नहीं मिला जो शौचालय मुकम्मल कर सकता है। आखिर को जनता जो है वोटर अपनी बात से तो सही ना कर रहे, उनके पास पैसा नहीं मिल रहा है। जी जी, उनका कहना तो जाए जाने के बाद पार्षद आप है तो आप आरोप लगना भी आप पता है। जी जी, ठीक ठीक है, तो ये सच है। आखिर वार्ड कमिश्नर क्यों चुनते हैं आप?
वार्ड कमिश्नर हम चुन रहे हैं, वार्ड कमिश्नर के पास जाकर के अपना समस्या को हम रखें, ठीक है। उनका सोच सही है, चूंकि उनको यही जानकारी है कि वार्ड पार्षद है, इनको कहेंगे तो काम होगा। लोग आकर के वार्ड पार्षद को बोलते हैं, वार्ड पार्षद जाकर के कमजोर है, आप नहीं दिमाग पा रहे हैं, कहीं से कमजोर नहीं है, और आप लोग का दया आशीर्वाद रहा तो कमजोर नहीं रहेंगे, इसलिए कि अगर हम लड़ाई लड़ करके अंजाम तक नहीं पहुंचाते तो और वार्ड नंबर 5 का समस्या खराब होता है, क्योंकि ना जाने क्या समझ में आता है, जैसे उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी को वार्ड नंबर 5 को इग्नोर करके चलते हैं, वार्ड नंबर 5 को अध्यक्ष उपाध्यक्ष इग्नोर करके चले हैं, और इनकी बातों को बात माने तो ये लगातार संघर्ष किए उस पैसे को दिलवाने के लिए, शौचालय का हो या आवास दिलवाने के लिए प्रयास किए, लेकिन अब ये सफल नहीं हो सके, क्या लगता है? तो फिर आप यही बात करेंगे 5 साल बाद जनता को कि हमने मेरे साथ यही परेशानी का देश ने नहीं किया, तो आखिर तो जनता पीस रही है, जनता के साथ साथ हम लोग भी पीस रहे हैं, ऊपर वाले जो है जनता पर नहीं पीस रहे हैं, हम भी लोग भी पीस रहे हैं और जनता भी पीस रही है, क्योंकि ऊपर वाले अगर पदाधिकारी जिम्मेवारी बनती तो अंजाम देते, इग्नोर नहीं करते वार्ड नंबर 5 के, इग्नोर किया जा रहा है, जनता को यही बात आप कहेंगे? जी नहीं, 5 साल के बाद जनता का फिर कोई रास्ता निकालेंगे, नहीं होगा तो इसके लिए संघर्ष करेंगे जबरदस्त, हम केस और फौजदारी से नहीं डरते हैं, तो फिर आप हम क्या है संघर्ष, तो फिर आखिर जनता फिर भरोसा क्यों करे आप? जनता भरोसा इसलिए करती है, जनता देख रही है कि वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद या समाज सेवी कलाम कि किस तरह का संघर्ष ये लोग कर रहे हैं आम जनता के लिए, आईना की तरह झलक रहा है, रहा सफाई का बात, तो जनता जो बोली ये सच बोली है कि वार्ड नंबर 5 में सफाई नहीं होता है, नहीं होने का कारण कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम वहां पर नहीं जाते हैं, हिमंगा की तरह भी जाते हैं कि एक आदमी को दीजिए फलना जगह गंदा है, फलना जगह गंदा है, अपने मोहल्ला से नीचे आइए मिल्लत मस्जिद है, धर्म स्थल यहाँ भी है, हमीरगंज से जाइए भोलिया स्कूल के बगल में मंदिर है तो भोलिया स्कूल बोला जाता है, वहां पर आए दिन हम पोखरा आउट करके सब प्राइवेट लेबर से कराना पड़ता है, अगर प्राइवेट लेबर नहीं मिलता है तो आप जनता से पूछ सकता है, अपने समझदारी उठा करके उसको साफ करते हैं, क्योंकि दोनों जगह धर्म स्थल है, लेकिन जैसा महसूस नहीं हुआ कि हम एक मतलब घूम ले जाकर के वार्ड नंबर 5